दोस्तों आज मैं आपको खिलाने वाला हूँ भारत की सबसे सस्ती नान वाली थाली, जिसके अंदर आपको तीन तरह की सब्जी, दो आलू नान मात्र 30 रुपए के अंदर मिलेगा। और यहाँ पर भाई बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक लाइन में लगकर खाना खाने आते हैं। अंकल जी कौन कौन सी सब्जियां होंगी अपने पास? आलू गोभी है, मटर पनीर है। पनीर भी भर के डाला अंकल आपने? राजमा दाल है। राजमा और दाल? हाँ जी। मिक्स करा हुआ है? साबुत राजमा की दाल है। कढ़ी पकौड़े हैं। और ये देखो जी कढ़ी पकौड़ा अंकल जी, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। पालक का, बेसन का, रायता है। और साथ में है जी रायता। रायता कितने रुपए गिलास होगा? 10 रुपए गिलास। चावल भी है, 20 रुपए प्लेट है, तीन सब्जी डाल के। अंकल जी सब्जी खत्म हो जाती है तो एक्स्ट्रा भी दे देते हो? हाँ जी, दो बार लो, तीन बार लो, चार बार लो। अंकल जी तीन सब्जी देते हो, दो आलू वाले नान देते हो, तो घाटा वगैरह नहीं होता? घाटा नहीं होता है, 5 रुपए प्लेट बच जाता है। 5 रुपए प्लेट बच भी जाता है? हाँ जी। तो भैया कब से आ रहे हो? भाई अभी आए हो, 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले आए हो, मतलब कितने टाइम से आ रहे हो? बहुत काफी टाइम हो गया। काफी देर हो गए। क्या खा रहे हो? नान। बढ़िया मजा मिल जाता है? हमारे तो एक बजते हैं, 1 बजे हम सीधा यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले लाइन लगाते हैं हम यहाँ पे आके। 30 रुपए में भाई साहब भरपेट थाली आती है, बड़े बड़े होटलों को फेल कर देता है इसका स्वाद। यहाँ पर देख लो भाई, ये भाई हैं जो कि यहाँ पर नान बनाते रहते हैं, इसी स्पीड के साथ यहाँ पर ये नान बनाते हैं, क्योंकि भाई चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़ होती है ना कि जल्दी जल्दी यहाँ पर हाथ चलाना होता है। और तंदूर के अंदर देख लो भाई, नान पे नान यहाँ पर डालते रहते हैं। ये देखो आलू की फिलिंग है, और भर भर के डालते हो आलू? यानी भर के डालते हैं। तो भैया कैसा लग रहा है? भाई स्वाद बहुत बढ़िया है, मुझे खाना खाने तो मुझे सिस्टम। तो भैया एक प्लेट हमारी भी लगा देना, 30 रुपए वाली लगाना है। खत्म हो गया माल है? यहाँ पर हमारी प्लेट लग गई है। सबसे पहले देख लो, कड़ी पकौड़ी की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, मटर पनीर भी यहाँ पर आप सभी को मिलेगा, और साथ में आप सभी को मिलेंगे दो आलू नान। कड़ी पकौड़ा मरजावा में ये बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया। पनीर की सब्जी भी है, और इतना पनीर नहीं है, 30 रुपए में कितना देंगे, लेकिन पनीर थे, 2-4 पीस डले हुए थे, और अच्छा सब्जी लगी, बढ़िया लगी। मैं क्या बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले आलू वाले नान से टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने वाला हूँ जी मटर पनीर की सब्जी के साथ। और एक बार भाई ये सूखी सब्जी भी ट्राई कर लेते हैं, आलू गोभी की। कढ़ी पकौड़े हैं, दो पकौड़े हमें मिले, और पालक और बेसन वाले पकौड़े हैं भाई। आप में से बहुत सारे भाई बोलेंगे कि हाइजीन नहीं है, तो भाई 30 रुपए में जिस हिसाब का टेस्ट होना चाहिए, जिस हिसाब का खाना होना चाहिए, वैसा खाना है। हाँ हाइजीन की थोड़ी सी कमी है, लेकिन 30 रुपए में क्या ही लोगे, 30 रुपए में एकदम पेट भर के बढ़िया खाना आप सभी को मिल रहा है। तीन तरह की सब्जी और दो आलू वाले नान कहीं भी नहीं मिलेगा। और अंकल जी आपकी टाइमिंग क्या होगी? सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। ये जगह कौन सी पड़ेगी? ये झिलमिल स्टेडियम। मैं ये 15 साल से खिला रहा हूँ। 15 साल से? हाँ जी। तो 15 साल पहले भी 30 रुपए था? हाँ। और अभी भी 30 रुपए? हाँ जी। तो घाटा वगैरह नहीं होता, क्योंकि तीन सब्जी आप देते हो, दो आलू वाले नान देते हो, तो घाटा वगैरह नहीं होता? घाटा नहीं होता है, 5 रुपए प्लेट बच जाता है। 5 रुपए प्लेट बच भी जाता है? हाँ जी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें जिनको नान खाना पसंद है। थैंक यू।